ये देखो, कल जो ये दोनों फूल का पौधा लाए थे ना, उसमें से एक का हालत देखो। और ये किया है, यहाँ पर एक बिल्ली है जो कि हर रोज़ हर वक्त इस छत से उस छत, उस छत से इस छत में कूदम कूदी करती रहती है। और ये गमला कल वहाँ पर रखा था भैया ने, ताकि उसको धूप और अच्छे से थोड़ा सा धूप मिल सके। वहाँ से आते वक्त शायद से रात को ये कांड किया बिल्ली ने, पूरा नया गमला उसको तोड़ करके। अभी फ़िलहाल के लिए इसको एक प्लास्टिक की कटोरी में रखा है, तो इसको अभी सेट करना है, एक अच्छे से इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा गमले में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल विच इज़ रंजनास कैसल। और कैसे हो आप सभी, उम्मीद करती हूँ अच्छे ही हो, अच्छे ही रहना सारे के सारे, स्वस्थ रहना सबसे जो ज़्यादा मैंडेटरी है, स्वस्थ रहना आजकल के टाइम में, अपने हेल्थ का ख्याल रखना और साथ में खुश भी रहना, स्वस्थ रहना और खुश रहना। और मैं थोड़ा सा आज लो फील कर रही हूँ, मतलब कल शाम से ही मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, क्योंकि एक तो वैसे ही मेरी तबीयत ख़राब है और उसके साथ साथ माइग्रेन अटैक आज सुबह से उठने के बाद से। तो अभी दवाई ववाई ले लिया है मैंने, चाय वाय पी लिया है, तो अभी थोड़ा सा बेटर है। तो आई हूँ मैं किचन में कुछ कुकिंग करने के लिए, तो देखा जाए आज कुछ स्पेशल बनाने का प्लानिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुकिंग से ही स्टार्ट करती हूँ वीडियो को, और क्या करना है। मैं तो मेरा यही काम है, मेरा मेन काम ही यही है। तो इसके बाद जो जो जैसा जैसा दिन चलता जाता है मैं वैसे वैसे आपके साथ शेयर करती हूँ, पर मेन काम यहीं पर है, किचन से शुरू और किचन में खत्म। तो आज जो डिश मैं बनाने वाली हूँ वो एकदम टिपिकल सा बंगाली डिश है और उसका नाम है मुड़ी घोंटो। तो मुड़ी घोंटो का मतलब है कि वो फ़िश हेड से बनता है, फ़िश का जो हेड होता है। हम लोग जो फ़िश लाते हैं ना मार्केट से, तो अक्सर क्या करते हैं ना, फुल मछली लेकर के आते हैं, जो बड़ी वाली साइज़ की मछली होती है ना। तो हम लोग के घर में जितने मेंबर्स है, पीसेस काम में आ जाता है और उसका हेड और टेल रह जाता है। तो मैं उसको जमा कर करके रख देती हूँ। जब बहुत सारा हो जाता है, जैसे 7-8 हो जाता है ना, तो उस सिर्फ हेड से और वो फ़िश का हेड और टेल से अलग सा एकदम डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ बन जाता है। तो उन्हीं में से आज मैं एक रेसिपी बनाने वाली हूँ, तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। शायद मैंने पहले भी किया है शेयर, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट स्टिल मैंने किया होगा भी, तो आज फिर से एक बार कर लेती हूँ। जो फ़िश खाना पसंद करते हैं ये उनके। तो अभी कुकिंग स्टार्ट करने से पहले गैस जला करके मैंने ये कढ़ाई बिठा दिया है, वो तब तक गर्म होता है। और मैं आपको फटाफट से इसके इंग्रेडिएंट्स भी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले ये फ़िश का हेड और ये टेल, ये सबको इसको नमक और हल्दी लगा करके एकदम अच्छे से डीप फ्राई करके रखा है। और उसके साथ चाहिए ये वाला चावल, ये छोटे दाना वाला चावल है, इसको हम लोग बंगाली में गोविंद भोग बोलते हैं। इससे इसका ज़्यादातर मतलब इससे हम लोग खीर बनाते हैं और इसका ना स्मेल बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा होता है। तो यही वाला चावल यूज़ करेंगे, इसमें बासमती भी कर सकते हैं पर इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। उसके साथ ये चॉप्ड प्याज, ये क्रश किया हुआ गार्लिक, ये अदरक और ज़ीरा को एक साथ पीस करके रखा है, इसमें हरी मिर्च भी है, और ये टमाटर अलग से हरी मिर्च, और ये है तेजपत्ता, और इसके साथ कुटा हुआ गरम मसाला, हल्दी, नमक, घी और सरसों का तेल। फिश है तो सरसों का तेल से ही कुकिंग करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई गरम हो चुकी है अच्छे से, तो अब इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल और उसके साथ 1 बड़ा चम्मच भर के घी। इस रेसिपी में थोड़ा सा तेल घी ज़्यादा ही यूज़ होता है। घी पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है, अब मैंने इसमें कुटा हुआ गरम मसाला और तेज पत्ता को डाला है, और थोड़ा सा इसको सौते करने के बाद इसमें धीरे धीरे करके मैं एक एक करके सारा बाकी इंग्रेडिएंट्स डालती रहूँगी। सबसे पहले कटा हुआ प्याज, प्याज को अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी जब तक कि इसका एक अच्छा पिंकिश कलर आ जाएगा, तब तक प्याज को फ्राई करना है अच्छे से। जब तक मेरा इस तरफ प्याज फ्राई हो रहा है, मैंने दूसरी तरफ एक दूसरा कढ़ाई बिठा करके इसमें मुझे चावल को फ्राई करना है।
तो सबसे पहले मैं इसमें घी डालूंगी। कढ़ाई गर्म होने के बाद, घी डालने के बाद जब घी भी मेल्ट हो जाए, इसमें मैंने जो चावल को धो कर के भिगो के रखा है उसको मुझे अच्छे से फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई करना है मतलब जो इसका मॉइस्चर है चावल का वो हट जाए, बस उतना तक फ्राई करना है। और चावल को फ्राई करते वक्त थोड़ा हल्के हाथों से चलाना है, क्योंकि ये चावल को मैंने भिगो करके रखा है तो चावल टूट करके पाउडर नहीं बनना चाहिए या टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी छोटे दाने वाला चावल है। तो मैं बहुत हल्के हाथों से इसको चला रही हूँ आराम आराम से, ताकि इसका पानी भी सोख हो जाए और ये खिला खिला भी हो जाए। यहाँ मेरा प्याज भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, एक बहुत अच्छा सा पिंकिश ब्राउनिश कलर आ चुका है। अभी इसमें मैंने कुटा हुआ लहसुन डाला, और लहसुन डालने के बाद इसको मुझे फिर अच्छे से फ्राई करना है, तब तक जब तक कि लहसुन का पूरा ये कच्चा वाला जो एक फ्लेवर होता है वो निकल जाए और इसकी खुशबू, एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, तब तक मैं फ्राई करूंगी। और मैंने यहाँ पर गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखा है ताकि कोई भी मसाला मेरा जले ना। अब जाएगा अंदर टमाटर, इसको भी बहुत अच्छे से फ्राई करना है। और चावल मेरा इस यहाँ पर पूरा अच्छे से मैंने फ्राई करके इसको अलग से निकाल के रखा है, और उसी पैन में मैंने पानी गर्म करने के लिए लगा रखा है, क्योंकि चावल में पानी जो डालना है ना उसको गर्म पानी ही डालना है। और साइड में यहाँ पर टमाटर को फ्राई करने के साथ साथ मैंने जो ज़ीरा और अदरक और हरी मिर्च पीस करके रखा था उसको डाला कढ़ाई में, थोड़ा सा हिलाया मतलब थोड़ा सौते किया, उसके साथ मैं नमक हल्दी और मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, और उसके साथ मैं थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ ताकि ये सारे सूखे मसाले भी मतलब कढ़ाई में चिपके ना और जल ना जाए। और इसको बहुत आराम से तब तक अच्छे से सौते करना है जब तक कि मसाला पक भी जाए और एकदम से पूरा मिक्स हो जाए, अच्छे से इसका तेल बाहर निकल आए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी डाल रही हूँ थोड़ा सा कलर के लिए, और सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। मसाला ऑलमोस्ट डन है। जो फिश हेड और फिश का जो टेल को मैंने फ्राई करके रखा था उसको देखो दोस्तों, मैंने इस तरीके से टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं इसको, ताकि इसके अंदर मसाला अच्छे से जा सके और ये अच्छे से पक जाए अंदर तक। तो ऐसे तोड़ करके ही इसको डालना है, और अब इसके साथ पूरे मसाले को मुझे एकदम अच्छी तरह से मिक्स करना है और अच्छे से फिर से इसको सौते करना है। ये यहाँ पर सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस स्टेज पर मैंने जो चावल को फ्राई करके रखा था वो चावल को मैं डाल रही हूँ, और उसको भी मैं बहुत अच्छे से पूरे मसाले और फिश के साथ इसको मिक्स कर दूँगी। गैस के फ्लेम को सिम पर ही रखना है ताकि ये नीचे लग ना जाए, और बहुत ध्यान से मैं आराम आराम से चला रही हूँ, क्योंकि मुझे चावल को भी तोड़ना नहीं है, उसको भी मुझे एकदम इंटैक्ट रखना है जैसे उसका साइज़ है। और सब कुछ मिलाने के बाद मैंने गर्म पानी जो करके रखा था वो मैंने डाल दिया है। यहाँ पर मेरा एक कप चावल है तो मैंने यहाँ पर डेढ़ कप के जितना गर्म पानी डाला है, तो डेढ़ कप में चावल भी पक जाएगा और ये जो फिश डाला हुआ है ये फिश भी पक जाएगा एकदम अच्छे से। अभी इस स्टेज पर मैंने हरी मिर्च जो स्लिट करके रखा था वो डाल दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, मेरे यहाँ पर ज़्यादा मिर्ची चलता नहीं है। और उसके साथ ढक्कन लगा करके उसे 10 मिनट तक कुक करना है। ढक्कन हटाने के बाद ऊपर से थोड़ा सा घी डाला मैंने, गरम मसाला पहले ही डाला था तो अब और ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली द डिश इज़ रेडी, और ये ऐसा दिख रहा है। एंड बिलीव मी, खाने में भी ये बहुत टेस्टी होता है। इसको सूखे चावल के साथ खा सकते हैं या तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। लंच तो रेडी हो चुका है पर खाने का टाइम नहीं हुआ है, तो सोचा इस बीच में जो कल सारा ग्रॉसरी का सामान वगैरह आया था सैनिटाइज करके रखा था तो उसको मीनवाइल थोड़ा सा अच्छे से सेट करके रख दूँ, वरना मेरे यहाँ पर छोटे छोटे चूहों का भी बहुत प्रॉब्लम है, तो उसी लिए ना इनको हटा करके इनकी जगह पे रखना बहुत ज़रूरी है।
कोलकाता का सिचुएशन ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, अजीब अजीब ही रूल रेगुलेशंस मतलब सारे बने. अभी वैसे तो पार्शियल लॉकडाउन जैसा सिचुएशन है, बहुत सारे चीज़ें बंद है. और पहले एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया, नाइट कर्फ्यू चल रहा है शायद 11 से सुबह 6 बजे तक, या तो रात के 10 से 6, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि उस वक्त हम वैसे भी निकलते नहीं हैं तो कोई लेना देना है नहीं. शॉप वगैरह सब 10 बजे तक बंद हो जा रहा है, तो 10 बजे बंद होने के लिए बिजनेस वैसे ही डाउन है. मतलब हार्डली 8 बजे से ही रास्ता वगैरह सब आइसोलेटेड होना स्टार्ट हो जा रहा है. बिजनेस का हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. उसके साथ था आपका 50% गैदरिंग के साथ रेस्टोरेंट, हॉल और मॉल, ये तीनों खुले थे. क्या फ़ायदा है वहाँ पर 50% भी खोल कर रखने की, क्या ज़रूरत थी पता नहीं. उसके साथ साथ सलोन, स्कूल, जिम सब बंद कर दिया था. अब अचानक से नया रूल आया है, सलोन खोल दिया है, स्कूल बंद है. ठीक है, चलो बच्चों के साथ रिक्स नहीं ले सकते तो इट्स ऑल राइट. सलोन खोलने की क्या ज़रूरत है, जिम बंद करके रखा है. जहाँ पर जाने से लोग फिजिकली फिट होते हैं, जहाँ जाने से लोगों का इम्यूनिटी बूस्टअप वैसे ही होता है एक्सरसाइज करने से, उसको बंद करके रखा है पर सैलून खोल दिया है. पर कोई बात नहीं, सैलून खोल दिया है तो अच्छा ही है. एक तरफ से अच्छा है क्योंकि मुझे जाना भी है और मुझे हेयर कट का ज़्यादा, मेरे बालों की हालत बहुत ख़राब है, बहुत चिपको चिपको हो जाता है विंटर्स में ना. वैसे भी मेरा पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है फटाफट. और ये भी झाड़ू जैसा हो गया है, मुझे इतना तो कम से कम काटना ही है, काट करके फेंकना इतना. तो देखते हैं, आई थिंक आई विल गो फॉर अ न्यू हेयर कट. मतलब मुझे एक नया सा लुक चेंज वाला कट करवा लेना चाहिए. पता नहीं ना फिर से कब अचानक से दीदी का मूड बदल जाए, फिर दीदी फिर कुछ नया लॉकडाउन वाला रूल दे दे और सैलून बंद कर दे. तो जब तक खुला है मैं आज ही ट्राई करती हूँ, अगर हुआ पॉसिबल तो मैं जाऊँगी. खाना वाना तो बना लिया है, अब और कुछ करने लायक है नहीं, तो देखते हैं अगर अपॉइंटमेंट मिल जाता है. तो आज इतनी बारिश हो रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ. बारिश को देख के जो मूड खराब होता है ना, एकदम बकवास वेदर है आज. और आप सबको शायद से पता ही होगा, मम्मी का तो बारिश देख के एकदम चिढ़ गई. तो खुश तो करना पड़ेगा अभी, वरना छोटे छोटे चीज़ों में मम्मी चिल्लाने लगेगी. तो मैं क्या सोच रही हूँ, हॉट चॉकलेट बना देती हूँ. वेदर इतना ख़राब है तो ठीक भी तो करना पड़ेगा ना मूड को. और मूड ठीक करने के लिए हॉट चॉकलेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन एटलीस्ट. और सरप्राइजिंगली सारे इंग्रेडिएंट्स आज घर में ही हैं. और देखते हैं क्या करते हैं. तो ये है दूध, एकदम नॉर्मल अमूल का जो दूध होता है. और ये है कोको पाउडर, और ये स्वीटेंड डार्क चॉकलेट. तो इन्हीं सब चीज़ों से आज मैं हॉट चॉकलेट बनाऊंगी. वैसे हॉट चॉकलेट हमारे घर में सभी को पसंद है, तो शायद मम्मी इसे खा के मम्मी का मूड ठीक हो जाए. लेट्स सी क्या करते हैं. देखिए हमारा हॉट चॉकलेट हो चुका है रेडी. मुझे अभी इससे लालच आ रहा है, तो ले चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या होता है. बहुत वाव, बहुत अच्छा है. मजा आ गया ये हॉट चॉकलेट खा के. गर्मियों गर्मी नहीं है, हाँ, मतलब बारिश हो रहा है बाहर, और बारिश में इतना टेस्टी और यम्मी, बहुत अच्छा. पर बहुत गर्म है, गर्म तो होगा ही, हॉट चॉकलेट है. तो मैंने फर्स्ट टाइम ये बनाया, उन लोग के रिव्यूज को देख के तो लग रहा है कि बहुत ही अच्छा बना है. अभी मैंने टेस्ट नहीं किया, मैं टेस्ट करूंगी. बट फिलहाल के लिए व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं. और अगर अच्छा लगा हो आप सभी को तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. और शेयर भी करना, बहुत शेयर भी करना, अच्छा लगे कमेंट भी करना. और बताना कैसा लगा ये रेसिपी. मैंने नहीं दिखाया, बट नेक्स्ट कोई व्लॉग में मैं दिखा दूंगी आपको. तो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर.